आज मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने इंस्टाग्राम की लिंक को कैसे कॉपी कर सकते हैं और कैसे उसको डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। और इस वीडियो के जो कमेंटर हैं वो है कुकिंग मेड इजी विथ गुंजन। तो आंटी जी ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, तो आज मैं आपको मैं आंसर देना चाहूंगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर लिंक कॉपी नहीं होती। इंस्टाग्राम ऐप में जब आप जाते हैं तो कहीं से भी आपको ये नहीं मिलता है कि यहां से आप अपनी लिंक को शेयर कर सकते हैं, तो कहीं भी उसमें ये ऑप्शन नहीं है। तो कैसे आपको वो लिंक शेयर करना है और अपनी डिस्क्रिप्शन में कैसे आपको डालना है पूरी जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आंटी जी को बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इस तरह के हमको क्वेश्चंस दिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं मोबाइल की होम स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। तो क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है इंस्टाग्राम। तो instagram.com आप लिख के सर्च कर दीजिए, और आपको याद रहे डेस्कटॉप साइट पर ही ओपन करना है। तो आपके सामने ये इंस्टाग्राम वाला मेन पेज फर्स्ट में ही ओपन होके आ जाएगा। आपको इसको बस नॉर्मली ओपन करना है। तो मैं अब इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपके सामने तीन इंटरफेस दिखाई देंगे। तो आपको इंस्टाग्राम पर सिलेक्ट कर लेना है, और इंस्टाग्राम पर सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में जो ऊपर आपको दिख रहा है https://www वाला, तो आपको नॉर्मली उस पर क्लिक करना है। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं कि पूरी की पूरी लिंक आ जाएगी। आपको बस उसको डबल टैप करके या टैप रख के कॉपी कर लेना है। तो उसको आप यहां से ये कॉपी कर सकते हैं। तो याद रहिए क्रोम ब्राउजर से होता है, इंस्टाग्राम ऐप में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो स्टेप बताई है उसी के आधार पर ये होगा। फिर चलते हैं सीधे बायटी स्टूडियो में। तो बायटी स्टूडियो में बताऊंगा कि लिंक को डिस्क्रिप्शन में कैसे डालते हैं। तो नॉर्मली आपको जिस भी वीडियोस में डालना है तो आप उस वीडियोस को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद उस ऊपर जो एडिट का ऑप्शन रहता है आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप क्या है कि अपनी डिस्क्रिप्शन को ओपन कर लीजिए। तो चलिए मैं अपनी डिस्क्रिप्शन की ओर चलता हूँ। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन ओपन कर ली है। अब इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे माय इंस्टाग्राम लिंक या जो आपको लगे वो आप लिख दीजिए, और इसके सामने आप उस लिंक को पेस्ट कर दीजिए जो अभी आपने क्रोम ब्राउजर से कॉपी की थी। तो मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसमें गैप दे देता हूँ। तो ये बड़ी आसानी से जो है वो लिंक कॉपी हो गई है और यहाँ पे डल गई है। तो इसी तरह से आपको करना है, आप इंस्टाग्राम ऐप से नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए #easymindtech।